नशा आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, गुजरात में नरेंद्र मोदी को एक स्वाद लग गया था। जैसे शेर को नहीं होता है कि मनुष्य का खून लग जाए अगर, तो वो फिर घास वास नहीं खाता। तो गुजरात में नरेंद्र मोदी को हिंदू मुस्लिम राजनीति का स्वाद लग गया। वहाँ पर 5-6% मुस्लिम हैं और 90% से ऊपर हिंदू हैं, और उन्हें वहाँ ये लगा कि दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो अंग्रेजों की तरह। अंग्रेज तो रहे नहीं, मगर अंग्रेजों के मुखबिर तो बाकी है ना, जिन लोगों ने भाग भाग के देशभक्तों को सजाएं दिलवाई थी, जेल कराया था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी उसमें है, लेकिन अंग्रेजों के मुखबिरों की संतानें अभी बाकी हैं। तो इन्हें वो टेस्ट लग गया कि दो लोग जब झगड़ते हैं तो उसमें फायदा होता है। तो वो उन्होंने यहाँ पर बहुत किया, हिंदू मुस्लिम खेल से मोदी जी को राजनीतिक सत्ता मिली थी, तब से वो देश के हर हिस्से हर विभाग में झगड़ा कराने में माहिर रहते हैं। तो साउथ इंडिया माने हम नॉर्थ इंडिया कर देते, मतलब भाव रहते रहे साउथ इंडिया में मतलब अब अगड़ा बनाम पिछड़ा कर देते हैं। वो खुद तो अगड़े वर्ग से आते हैं, मगर उन्होंने खुद बैठ के अपनी तरफ से, राहुल गांधी ने पिछले दिनों का अपनी कलम से खुद अपने को पिछड़ा घोषित कर दिया, क्योंकि वो उनको अगड़ा बनाम पिछड़ा। और अब जो किसान आंदोलन है उसमें एक खतरा ये पैदा कर रहे हैं, देश की जनता के लिए कर रहे हैं। ये खतरा अगर हो जाएगा एक बड़ा परमानेंट सा, तो एक दो भारत की तरह नजर आने लगेगा। ये इन्होंने किसान आंदोलन में जो शुरू किया है वो गांव बनाम शहर, ऐसा देखा जा रहा है कि अभी गोदी मीडिया या इनका आईटी सेल ये तमाम घोषणाएं करता है, अरे देखिए ये जाम लग गया, ये भारत के टैक्स पेयर हैं, इनकी गाड़ियों का पेट्रोल खर्च हो रहा है और उनका ये भारत को टैक्स देते हैं, किसान टैक्स नहीं देते, किसान से आप टैक्स लेते ही कहाँ हो, किसान को इस लायक आपने रखा कि किसान की आपने बोला था आमदनी बढ़ाएंगे दुगनी कर देंगे 2022 में, अभी कुछ किया? बल्कि जो आपने 21 में और पिछले आंदोलन में आपने वायदे किए थे, और जो आपने कमेटी बनाई थी उस कमेटी को भी पता नहीं कौन सा संखिया सुंघा दिया कि वो भी मीटिंग करने को तैयार नहीं है। तो आपने बेवकूफ बनाकर किसानों को और किसान आंदोलन खत्म किया था। पिछली बार माफी तो झूठी मांगी थी, मेरी तपस्या में कमी रह गई है। आपका तपस्या से क्या लेना देना है भाई, तपस्या योगियों की और भक्तों की बात है, आपका तपस्या से नहीं, आपका राजनीति से लेना देना है, आपका अडानी से लेना देना है, आपका बैंकों के फ्रॉड करने वाले लोगों को उसको बाहर भगा देने से, बाहर से मंगाने बुलाने का, ये सबसे आपका लेना देना है। पर किसानों के MSP पर गारंटी देने से आप 2 साल से कतरा रहे। यूपी के चुनाव में आपको भारी भरकम जो जीत मिली थी वो इसीलिए मिली थी, 2019 में आप जीते थे पुलवामा करके, आपने वहां हिंदुस्तान पाकिस्तान और जाने क्या हिंदू मुस्लिम ये सब कर करके आप चुनाव जीतते हैं। इस बार चुनाव सर पर खड़े हुए हैं, इस बार चुनाव बिल्कुल कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा होने जा रही है, और चुनाव की घोषणा जहां होने जा रही है वहां किसान जब आंदोलन के लिए निकले, अपने अपने देश में आंदोलन करेंगे ना, और कहां करेंगे आंदोलन। मगर मोदी जी के वो जो 2-3 मंत्री जाते हैं, पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा और ये सारे लोग, ये लोग जाते हैं और घूम फिर के चले आते हैं। कल 18 तारीख को फिर बैठक है, परसों 3 बैठकें हो चुकी, उनमें कोई हल नहीं निकला। वो सीधे बोल, आप बार बार आप आशाएं देते हैं, बोल देते हैं आगे कर देंगे, ये राजनीति में जो टाल मटोल का खेल है ना, ये सब आप बंद कर दीजिए। मोदी जी ये किसान है, आप जो है इनके लिए आपने क्या मंगा के रखा है, आप देख लीजिए क्या क्या आया है। आपने जबरदस्ती 30,000
आंसू गैस के गोले मंगवा के रखे हैं। भाई ये क्या है, ये पाकिस्तान से आए हैं कि बांग्लादेश से आए? ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं। ये जाड़े में वो 6 महीने का आटा दाल और ये सब सामान बांध के घर से निकले हैं, वो ट्रैक्टर से घर से निकले हैं, ट्रैक्टर ही उनकी सवारी है, ट्रैक्टर से ही उनके घर के में बराते जाती हैं। आपको आपकी तरह गुजरात में और दूसरे शहरों में, यूपी हो या जो, वहां पर मर्सिडीज में बराते नहीं जाती हैं, मैंने देखी है गांव की बराते, वो ट्रैक्टर ही उनका मुख्य साधन है, उसी से वो खेती करते हैं, वही उनकी सवारी है, वही उनका सिंहासन है, वही उनका सारा कुछ है, उड़न खटोला है, और वही लेकर वो आए हैं, वो आ गए हैं। और आपने क्या किया, सीमा पर किसानों को टक्कर देने के लिए आपकी दिल्ली पुलिस ने 30,000 आंसू गैस के गोले मंगवाए। आप गोली तो डायरेक्ट रबर की गोली चलवा ही रहे हैं, लेकिन 30,000 गोले का आदेश दिया किसानों पर, सरकारी एयर स्ट्राइक, सरकारी जो गवर्नमेंट एयर स्ट्राइक कर रही है उसके लिए 30,000 का इसका आर्डर। वाह क्या बात है, बड़ा दर्द दर्दमंद है। अभी मैंने देखा एक वीडियोस आ रहे हैं, आपको पता नहीं है, आप तो अमित मालवीय के वीडियो देख रहे हैं, देश भर में एक एक कोने में वीडियो जा रहे हैं, और आप ये क्या शहरी बनाम गांव का युद्ध शुरू करवा दिए गोदी मीडिया से कि टैक्स पेयर। अरे ये जो शहर में रहते हैं, ये जो शहर में पढ़ लिख कर रहने आए हैं, नौकरी करने आए, बिजनेस करने आए, इनमें हर एक का गांव है, हर एक के बाप दादा किसान रहे हैं, हर एक के बुजुर्गों का गांव से रिश्ते हैं, हर एक की थोड़ी और ज्यादा खेतियां हैं गांव में, और आप युद्ध करा रहे हैं दोनों के बीच में कि शहरी लोगों को तकलीफ हो रही है और ये किसान लोगों की वजह से जाम हो गया, किसान लोग वालों की वजह से। अरे किसानों की सब्जी तो ला रहे हो ना दिल्ली में, किसानों द्वारा दुहा गया दूध तो लाते हो रोज दिल्ली में, किसानों द्वारा उगाए गए फल रोज दिल्ली में आते हैं, बस किसान नहीं आ सकते। किसान को क्यों नहीं आने दे रहे हैं, किसान के बाप की राजधानी है वो, हमारे बाप की राजधानी है कि नहीं, एक या दो लोगों की राजधानी नहीं है। लेकिन आपने एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया, गांव बनाम शहर का द्वंद शुरू कर दिया, झगड़ा शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके पास गांव में तो राजनीति है नहीं, आपको गांव से तो खेती मिल सीटें मिलती नहीं है, आपका वोटर गांव में तो है नहीं, गांव में समाजवादी पार्टी का वोटर, कांग्रेस का वोटर, आरजेडी का वोटर है, जो गांव से जुड़े रहे हैं उनका वोटर है। लेकिन आप चाहते हो ये शहर वाले प्रभावित हो, तो दिल्ली की 7 सीटों को आप प्रभावित करते हो। इंटरनेट कौन बंद करता है? आप चीजें मोदी जी आप क्यों नहीं समझते बात को, बच्चों जैसी बातें करते। इंटरनेट क्या किसान अपने ऑर्डर से बंद करवाता है? आप ही बंद करते हैं, जाने कितने, मुझे मालूम है 200 कुछ बार या कितना संख्या मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। खट्टर सरकार जो तानाशाह सरकार है वो छोटा मोदी है, वो कितने बार इंटरनेट बंद कर चुका है। इंटरनेट बंद होता है, वहां के बच्चों की पढ़ाई, शहर के बच्चों की पढ़ाई, खाली शहर के नहीं गांव के बच्चों को भी, गांव में भी आजकल मोबाइल है, बच्चे पढ़ते हैं, उनके स्कूलों कॉलेजों से कोर्सेज आते हैं, उनको सॉल्व करते हैं घर में बैठ के। आप इंटरनेट बंद कर देते हैं इसलिए कि शहर के लोगों को तकलीफ हो, वो सोशल मीडिया में ना आ पाए या वो, और उसके बाद वो गालियां दें किसानों को। आप शहर के लोगों से किसानों को गालियां दिलवाने के लिए ये सब नौटंकी करें। आज क्या हुआ सुबह, आज जो है, आज किसानों ने, कल किसानों ने कई ठिकानों पर जो है ऐसा रेल रोको का भी वो किया था, काम किया था। संयुक्त किसान मोर्चा और कई कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान 16 फरवरी सुबह आज 6 से 4 तक किया, ग्रामीण भारत बंद किया। देखिए ये पहली ऐसी मांग है कि ग्रामीण भारत बंद किया,
किसान जिस देश का हड़ताल पे चला जाए समझ लो वो देश पूरा हड़ताल पे चला गया। किसानों ने सुबह 6 बजे से लेकर और 4 बजे तक खेतों में ना जाना तय किया। ये कौन सा देश बनाया जा रहा है भाई मोदी जी, ये कौन सा देश आपके अर्जुन मुंडा बना रहे हैं कि अब खेतों में ना जाए किसान, और आपके वो आया है वो अपनी मांगे लेकर आया है। कोई आपसे ग्रामीण भारत बंद से क्या उन्होंने बोल दिया ग्रामीण भारत बंद करते समय कि एम्बुलेंस का संचालन जारी रहना है और अखबार वितरण जारी रहना है, जो शादियां हो रही वो जारी रहेंगी, मेडिकल की दुकानें और परीक्षा देने जा रहे छात्र ये सब हड़ताल से प्रभावित नहीं होंगे, ऐसा इन लोगों ने खुद किसानों ने बोला। खाली ग्रामीण इलाकों में कृषि गतिविधियां वो रोकना चाहते हैं, मनरेगा का जो काम है वो रोकना। आपके तो खुश होना चाहिए, आप तो मनरेगा के एक नंबर के विरोधी रहे हैं, आप तो बोलते हैं मनरेगा कांग्रेस के पाप के रूप में याद किया जाएगा, ये आपने संसद में दिया था वक्तव्य, तो इससे तो आप मुक्त मुक्त मुक्ति कभी पा ही नहीं सकते। तो उन्होंने ये औद्योगिक जो कृषि क्षेत्र की बातें हैं उस पर उन्होंने हड़ताल किया, उन्होंने इसलिए हड़ताल नहीं किया। तो आप अब आप देखिए शंभू बॉर्डर में अभी थोड़ी देर पहले मुझे देखने को मिला कि एक पहले तो एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, एक किसान की डेथ हो गई। आपका मीडिया जो है, आपका पिट्ठू मीडिया, आपकी चप्पल चाटने वाला मीडिया, ये जो आज तक और ये तारे चप्पल चाटू मीडिया हैं, इन लोगों ने कुछ और प्रचारित किया, जबकि सच ये है कि उसका दम घुटा। ये जो आपने अश्रु गैस के गोले छोड़े हैं भीड़ में और अभी छोड़ भी रहे हैं, अभी शंभू बॉर्डर में फिर जारी है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब शंभू बॉर्डर में लगातार थोड़ी थोड़ी देर रुक कर जैसे बमबारी होती है, हम लोगों ने कभी देखा नहीं। हम लोग हकीकत फिल्म में, बॉर्डर फिल्म में या शहीद फिल्म में या बचपन से लेकर अब तक मैं मुंबई में रहता हूँ, कई शूटिंग मैंने देखी बॉर्डर्स की, युद्ध की, तो हम शूटिंग में ही देखते थे सब, ये हमको कभी प्रत्यक्ष देखने को नहीं मिला। हम भी छात्र आंदोलनों में शामिल रहे हैं, लेकिन इतना अत्याचार पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया जो अत्याचार मोदी जी की सरकार कर रही है। 30,000 अश्रु गैस के गोले, अरे उनसे धुआं निकलता है कि नहीं? सीधी सी बात है, उनसे दम घुटता है, इसीलिए उनका उपयोग होता है। दम घुटेगा और लोग भागेंगे, लेकिन जिन्हें नहीं भागना है, जो एडामेंट हैं, जो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम किसानों के लिए आंदोलन के लिए आगे बढ़ते रहेंगे और उनकी मांगों के समर्थन में हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे, उनका दम घुट जाए तो घुट जाए। एक का घुट गया, हृदय हार्ट अटैक हुआ, मेडिकल रिपोर्ट जो भी आए, लेकिन उसी धुएं से हार्ट अटैक हुआ और 3 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई। ये उस धुएं का कमाल है, वो इतना ही साधारण होता तो उसे उसे क्यों कहते हैं अश्रु गैस का गोला? खाली वो इतना नहीं, वो खतरनाक है और किसानों को ऊपर आप उसका उपयोग कर रहे हैं। और हमें तो ये लग रहा आगे आने वाले दिन और ज्यादा कुछ आप मंगा के ना रख ले। तो आज जो ग्रामीण भारत का आह्वान था वो जो भी हुआ, ये आपको एक जो मैं आज का वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि जो आपने शहरी गांव बनाम शहरी युद्ध शुरू कर दिया वो बहुत खतरनाक युद्ध है। इसका इसका फायदा क्या क्या हो रहा आपका, आपके आपके हिरण जोशी जो हैं मीडिया सलाहकार वो रोज भेज देते हैं अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह और चित्रा त्रिपाठी के पास कि आज ये बोलना है कि शहर के ऑफिस में लोग नहीं जा रहे हैं, आज उनका जाम लग गया। तो आप एक किसानों से दूरी बना रहे हैं, बल्कि आपको ये सूचना भी उनको देनी चाहिए। हिरेन जोशी तो गांव के हैं नहीं और अमित मालवी भी नहीं है, उन्हें मालूम पड़ना चाहिए कि इनके भी जो शहरों में काम करते हैं, जो मान लो IAS हैं, IPS हैं, जो अधिकारी हैं मंत्रालय में हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी हैं, उनमें उनके सबके घर हैं गांव में, उनके पिता बुजुर्ग कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हैं, मगर आपने उन्हें खलनायक घोषित कर दिया है। गांव बनाम शहर का जो
नया संघर्ष प्रारंभ किया है। अब आप बताइए, मैं बताऊं, अंबाला 200 किलोमीटर दूर है सड़क से, सड़क किसने जाम की, किसने ऑर्डर दिया सड़क, इंटरनेट का ऑर्डर किसने दिया, सब सरकारें ऑर्डर दे रही हैं, पॉलिटिक्स कर रही हैं किसानों को बदनाम करने के लिए। आज आज प्राइम मिनिस्टर वहां है ना हरियाणा में, आज वो क्या करने गए, उन्होंने भाषण दिया, कुछ घोषणा, मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं, मोदी जी अडानी के विषय में कुछ नहीं बोलते हैं, आज तक अडानी का नाम ही नहीं लिया उन्होंने, जो भी अडानी का दूसरा नाम लेता है 146 लोगों को संसद से बाहर कर दिया, और राहुल गांधी की सदस्यता से घर से बेघर कर दिया, महुआ मोहित्रा की सदस्यता, अडानी का नाम लोगे अडानी भगवान हो गया, अडानी का नाम नहीं ले सकते आप अपने मुंह से किसानों का नाम तो ले लीजिए, मगर आज आपने लंबे भाषण में आपने कोई आपने बड़ी घोषणाएं की, आप हरियाणा को ये कर देंगे, आप हरियाणा को ये कर देंगे, आप हरियाणा को वो कर देंगे, मोदी जी के आपने साक्षी मलिक का नाम लिया जो हरियाणा की, क्या विनेश फोगट का नाम लिया जिसने अपना अर्जुन पुरस्कार वापस कर दिया आपके सांसद की तानाशाही की वजह से, साक्षी मलिक ने अपने जूते उतार कर, क्योंकि आपके सांसद ने उसके साथ यौन उत्पीड़न करने किया, उसने कुश्ती तोड़ छोड़, बजरंग पुनिया पद्मश्री पुरस्कार रख के आए आपके घर के सामने, आपको तो कुछ शर्म वरम तो आती नहीं है, आपको खाली एक चीज आता है, हमारा अडानी पलता रहे और देश की जनता बेवकूफ बनती, देश की जनता को राम मंदिर दे दो और अडानी को नोट पानी दे दो, बीच में जनता को बेवकूफ बनाते रहो। तो ये आपने जो किया है, तीन किसानों को खलनायक बनाया इंटरनेट बंद करके, दिल्ली में 200 किलोमीटर दूर किसान बैठे हैं, जाम आप दिल्ली में करते हैं, ये बहुत सारी चीजें आपने की। अब आपका असली मंशा यही है, मैं इस वीडियो को इसलिए छोटा रखना चाहता हूँ कि मैं केवल दो बातें कहना बताना चाहता हूँ, एक तो आप गांव बनाम शहरी युद्ध शुरू कर रहे हैं और आप चाहते हैं शहर की सीटें आपको मिल जाए, गांव की तो आपको वैसे भी नहीं मिल रही, मिलती नहीं आप, तो आप अब चाहते हैं कि ये आंदोलन, फिर 18 को बैठक है, फिर धीरे धीरे ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, और आंदोलन बढ़ेगा जब तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता किस दिन लगेगी ये घोषणा हो जाएगी, तब आपके जो है ये दो तीन मंत्री लोग जाएंगे, और ये दो तीन मंत्री एक एक समझौता करेंगे, देखिए कहाँ ले जा रहे हैं मोदी जी, कि वो मंत्री लोग समझौता कर लेंगे और उसमें दस्तखत कर देंगे, हो सकता है आप राजपत्र भी जारी कर दो, आप राजपत्र जारी कर दोगे, गजटिंग कर दोगे, तब चुनाव आयोग बीच में आएगा, वो तो आपका पिट्ठू है, आपका चमचा है, आपका कौवा है, आपका केचुआ है, अब कुत्ता तो नहीं कह सकते क्योंकि वो सरकारी पद पर है, तो आप फौरन चुनाव आयोग आएगा, अरे नहीं अब इसके बाद कोई भी घोषणा जारी करेंगे तो वो लागू नहीं होगी, आचार संहिता लागू हो चुकी है, इसलिए आपकी इस घोषणा का घोषणा प्रभावी नहीं है, अब नई सरकार के गठन के बाद ही ये होगा, तो ये आपकी मंशा है कि आप आंदोलन अभी रोक रहे हो, 30,000 अस्तगोलों का ऑर्डर किया है आपने, रात रात भर लोगों को परेशान किया है आपने, लाठी चार्ज किया है किसानों पर आपने, रबर की गोलियां चलाई हैं, खाली गोली चलानी बाकी है, ये सब आपने किया है, और आप इसको भी इसका भी राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हो, और शहर के लोगों को बोल रहे हो कि ये खालिस्तानी है, जो पंजाब के किसान है वो खालिस्तानी है, जो उत्तर प्रदेश के किसान है वो आतंकवादी हैं, जो और दूसरे जगहों से आ रहे हैं वो गुंडे हैं, वो मवाली हैं, बहुत अच्छा है, जय जय किसान
जय जवान जय किसान का नारा देने वाला ये देश आज देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जय गुंडा, किसान किसान को गुंडा बोल रहे हैं, मवाली बोल रहे हैं, खालिस्तानी बोल रहे हैं और ये बुलवा रहे हैं। इसलिए किसानों को ये बोलेंगे, खलनायक बनाएंगे तो शहर के लोगों का वोट मिलेगा। और मोदी जी इस बात में बहुत माहिर हैं, वो शहरी सेंटीमेंट उभारना चाहते हैं और गांव और किसानों के प्रति लोगों का सेंटीमेंट खराब करना चाहते हैं ताकि अगले चुनाव में जो 2 महीने बाद है उसमें उसका फायदा हो। मोदी जी से एक निवेदन है, वो जाने वाले नहीं है, ये सूचना मैं भी आपको दे दूं, वो 6 महीने का आटा और राशन और ये सब लेके आए हैं और वो दिल्ली जाएंगे। आप रोक नहीं सकते उनको दिल्ली जाना, दिल्ली उनके बाप का है, दिल्ली उनके बुजुर्गों का है, ये देश सबका है, मोदी जी आप ही का नहीं है। इसलिए उनको आपने जो कीलियां इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है ना, जो चेसिस फेंकी है आपने बसों के और ट्रकों के चेसिस आपने सड़क पर फेंक दिए ताकि वो आगे ना बढ़ पाए, आपने बैरिकेडिंग कैसी की, आपने खाइयां खोद दी 10x15 की, किसान नहीं आ पाए, आपने दीवारें उठा दी ताकि किसान फान ना पाए। क्या हुआ, अभी किसानों ने कीले तो उखाड़ दिए, किसानों ने कई दीवारें गिरा दी हैं और मैंने देखा आपने भी देखा, आपके लिए ये बड़ी खतरनाक है वोटो कि किसान वो खाइयों को धीरे धीरे फावड़े से पूर रहे हैं, पटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, खाइयां भर रहे हैं। यही खाइयां आपको भरनी है जो आप नहीं भर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री होकर आपको हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई भरनी है वो आप बढ़ा रहे हैं, आपको अगड़ों पिछड़ों के बीच की खाई भरनी है उसको आप आगे बढ़ाते हैं, खाइयां बनाते हैं। आप हर एक व्यक्ति को दूसरे से लड़ाते हैं और किसान आंदोलन में आपको एक मौका मिल गया राजनीति करने का कि आप गांव बनाम शहरी के बीच की खाई आप खोदना शुरू कर दिए हैं और इनकी खाई को आप आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें आपको ये लग रहा है कि कुछ सीटों का शहर की सांसदीय सीटों का हमें फायदा होगा, लेकिन मोदी जी भूल जाइए 2024 के चुनाव में आप 150 के बहुत पीछे रह जाने वाले हैं। आपने 15 करोड़ किसान परिवारों को गालियां दी, उन पर ऊपर रसुगैस के गोले फेंके, उनके ऊपर रबर गैस रबर गोली चलाई, ये सब उनके घर की बच्चियां, और देखिए आप महिला महिला किसानें भी निकल के आई है ना, वो निकल के आ गई है कि हम अपने अपने पति के साथ जा रहे हैं लड़ने, हम अपने भाई के साथ लड़ने जा रहे हैं। आपका किसान परिवारों को चुनौती दे रहे हो, अडानी के बल पे दे रहे हो कि अंबानी के बल पर दे रहे हो, हैं आप कौन सी फोर्स बना के रखे हो, आप भूल जाइए किसानों को कुछ चुनौतियां मत दीजिए, उनकी घर की वीरांगनाएं निकलेंगी ना तो दिल्ली का अभी मैं आगे बोलना नहीं चाहता हूं। तो इसलिए आप ये खाइयां बढ़ाना बंद कर दीजिए, आप खैर किसी की सुनेंगे तो है नहीं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो एक नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं अगलों और पिछड़ों की, और उसके साथ आज उन्होंने शुरू कर दिया है गांव और शहर के बीच की खाई को। मैं प्रार्थना करता हूं नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि आए, किसानों की बात माने, और शहरी लोगों से निवेदन है कि जो आप खा पी रहे हो सब गांव से ही आ रहा है, मोदी जी भड़का रहे हैं आपको, आपके बुजुर्ग गांव से ही आए हैं। मैंने दिल्ली को देखा है, मैंने फरीदाबाद गुड़गांव बस्ते देखा है, वो गांव ही था। मैंने नोएडा को गाजियाबाद को देखा है, वो गांव ही था। गांव ही शहर बनता है, तो इसलिए गांव और शहर के बीच की लड़ाई में मोदी जी की राजनीति में आप मत फंसे और किसान आंदोलनों का समर्थन करें, और हम चाहते हैं कि MSP पर मोदी जी गारंटी दें। दोस्तों इसके साथ ही मैं अपने थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज।